ज यादव जी वहां विपक्ष की अलायंस तो बनी लेकिन अलाइनमेंट खराब है सीट शेयरिंग तो हो नहीं रही अलायंस कहीं जा नहीं रही और इधर प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया 370 बीजेपी के और 400 पार एनडीए सरकार अब विपक्ष कौन सी रणनीति लाएगा क्योंकि जो भी रणनीति ला रहा है वो फेल होती नजर आ रही है कम से कम जनता की नजरों में नमस्कार नाविका जी आपके पैनल में समस्त साथियों को भी मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों का आभार कि वो फिर आज मुझे सुनेंगे और बर्दाश्त भी करेंगे आ, निश्चित तौर पे जो आपके सवाल हैं वो बड़े मौजूद से सवाल हैं कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इतना ओजस्वी इतना बेहतरीन भाषण रहा कि विपक्ष के पास तो कुछ नहीं बचा विपक्ष करे तो क्या करे यही कुछ ऐसा बन रहा है मोदी जी अगर आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री हैं आपको अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष हार गया विपक्ष खत्म हो गया तो आपको नीतीश जी को बैरंग वापस भेज देना चाहिए अगर आप एक बेहतरीन राजनेता के रूप में जाने जाते हैं अजीत पवार को सत्ता में नहीं जेल में होना चाहिए अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा वॉशिंग मशीन का नाम ले लिया उन्होंने उस वाशिंग मशीन का जिसका बटन वो हर हफ्ते या हर महीने दबाते हैं और क्या करते हैं क्लीनिंग कितना है सत्तर हजार करोड़ क्लीनिंग कितना है पचास हजार करोड़ क्लीनिंग कितना है असम का दस हजार करोड़ क्लीनिंग उसका उस वाशिंग मशीन का बटन तो मोदी जी दबाते हैं तभी तो वो क्लीन होके बाहर निकलते हैं विपक्ष से इतना डर मोदी जी को मैं पहली किसी देश के प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जो विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं है। और विपक्ष पे ही आरोप लगा रहे तर्क अच्छा ये बताइए हम तो सत्ता में नहीं है फिर आपको किस बात का खतरा है और आप सदन में इस बात को कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले मुझे पत्थर ईट मार रहे हैं सवाल ना पूछे आप चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरनाक हो जाए मतलब सत्ता से कोई सवाल ही ना पूछा जाए हम आपसे किसी तरीके की कोई बात ही ना करें तो फिर आपका है कि बड़े प्रधानमंत्री फिर कैसे डिफरेंट आप अपने को कांग्रेस से और अदर पार्टियों से अपने आप को अलदा बताने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें तो हम जानना चाहते हैं और आपसे सवाल पूछा जाता तो आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं मोदी जी आप सिर्फ विपक्ष पे सवाल पूछते हो विपक्ष से तो कोई सवाल पूछता है ठीक है आपकी आ, हमारी कंपटीशन हो सकती है हमारी और आपकी जो पॉलिसियां उनकी तुलनात्मक अध्ययन उनका किया जा सकता है लेकिन सिर्फ विपक्ष पे सवाल और आपने जवाहरलाल नेहरू जी की तो कह दिया कि आप आ, आलसी समझते थे इस देश के आप तो कह रहे हैं ना कि आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो पचासी करोड़ करोड़ लोगों को क्यों आप राशन दे रहे हैं अगर आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं चलिए बहुत से, हैं। से सवाल है। करोड़ लोगों को नाविका जी आप कल्पना नहीं कर सकती है कि किस तरीके से, से प्रधानमंत्री जी जस्टिफाई अपनी ही बात को कर रहे हैं और मैं एक लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा काला धन अभी नहीं आया हम सब इंतजार कर रहे हैं सब इंतजार कर रहे हैं मोदी जी आप तीसरा टर्म चौथा टर्म पांचवा टर्म आजीवन हो जाओ अमर हो जाओ लेकिन काला धन तो लाओ कब लाओगे ये भी जन्ना जा, जानना चलिए चलिए गौरव गौरव भाटिया जी गौरव भाटिया जी विपक्ष के अभी भी सवाल इतने हैं प्रधानमंत्री ने लगभग लगभग उन्होंने 100 मिनट का भाषण दिया लेकिन सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे अब मनोज यादव जी ने जो सवाल खड़े हैं उनका जवाब आप दे दे मैं बिल्कुल दूंगा नाविका जी लेकिन सबसे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा आत्मविश्वास तब आता है जब किसी व्यक्ति ने मेहनत की हो ईमानदारी से करी हो और वो देश के प्रति समर्पित हो आज एक भारतीय होने के नाते मुझे और मैं समझता हूं 140 करोड़ भारतीयों को भी गर्व महसूस हुआ होगा और ये कहना गलत नहीं होगा हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे नाविका जी आप सोचिए 2014 के बाद एक आंकड़ा आपको देता हूं प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है भ्रष्टाचारी कांग्रेस परिवारवादी कांग्रेस सांप्रदायिक कांग्रेस और ना यहां पे टूटी साइकिल के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे उनकी सरकार रिपीट हुई थी आप सोचिए मोदी जी ने क्या काम किया होगा उनकी विश्वसनीयता क्या होगी कि दो पूरे टर्म के बाद पूर्ण बहुमत के तीसरी बार वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 370 सीटों से ज्यादा हमारी आएगी अभी आप सपा से पूछ लीजिए इनकी तीन सीटें हैं लोकसभा में ये विधानसभा का चुनाव हार गए उसके बाद भी बातें कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री पे और मैं आपको बताता हूं वजह क्या है उसकी देखिए अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का दमखम किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात उन्होंने का गरीबों को कैसे मुख्य धारा से जोड़े उसकी बात करी युवाओं की बात करी किसानों की बात करी भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे आप सोचिए एक जमाना था आप पेपर पढ़िए यूपीए के सरकार में तो केवल और केवल एक न्यूज आती थी टू घोटाला एक सौ लाख छिहत्तर करोड़ कोलगेट घोटाला दो लाख करोड़ पार हो गया सी डब्ल्यू जी घोटाला कई हजार करोड़ जीजा जी घोटाला हर जगह किसानों की जमीन हड़प रहे आज देश का ईमानदार प्रधानमंत्री ढंके की चोट पे कहता है अगर भ्रष्टाचार किया है एक एक पाई तेंसक्या? तेरी वसूल लूंगा और जनता को जाएगी ये गरीबों की पाई है और एक बड़ी बात मैं और कह दू ये कह रहे थे अभी सपा के प्रवक्ता बता रहे थे सपा के प्रवक्ता को मैं बताता हूं वॉशिंग मशीन देखिए ये वॉशिंग मशीन है ये गायत्री प्रजापति दोष सिद्ध है बलात्कार में खनन घोटाले में इनको जो आधे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव उन्होंने हटा दिया था आपको मालूम है पांच दिन बाद वापसी हो गई और ये पैर छू रहा है मुलायम सिंह यादव के और उसके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तक कुछ नहीं कर पाए एक और तस्वीर है ये देखिए वॉशिंग मशीन ये अतीक अहमद है अपना कुत्ता लेके आया है उस कुत्ते का हाथ जो मुख्यमंत्री ही रहे मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में पकड़ा रहा है ये वॉशिंग मशीन ऐसी थी कि जो सबसे बड़ा माफिया डॉन था उसकी धुलाई हो जाती थी और इसको सही किसने किया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी मैं जवाब देना चाहूंगा फर्क है इसलिए कम से कम वॉशिंग मशीन पे ना बोला करो पूरे दामन में काले दाग हैं पूरे दामन में काले दाग है इसीलिए जनता ने नकारा है जवाब दीजिए काउंटर का समय दूंगी मनोज यादव जी आपका जवाब दीजिए आपके पास पैंतालीस सेकेंड बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने टूटी साइकिल की बात करी बड़े बेगैरत आप थे जिस साइकिल पे चढ़ के अपर महाअधिवक्ता बने उसी को तोड़ के चले गए अच्छा नहीं लगा मुझको कि जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं उसी साइकिल पे आप भी सवार थे आपके पिताजी भी सवार थे बेगैरती इसलिए आपको है कम से कम इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था अगर इतनी भ्रष्टाचार पार्टी थी तो आपको बिल्कुल उस आपको और आपके पिताजी को भी नहीं रहना चाहिए था इसीलिए चले गए थे क्या अपर महादिवक्ता महादिवक्ता उत्तर प्रदेश में ओ माई गॉड राज्यसभा सब तो ले लिया उसके बावजूद भी आज इतनी दिक्कत है समाजवादी पार्टी से मैं आरोप जो लगा रहा हूँ मोदी जी ने आज सदन ये में पर्सनल अटैक पर पर है ये पर्सनल अटैक है आप मुद्दे पर जवाब दीजिए नहीं मनोज यादव जी आप मुद्दे पर जवाब दीजिए अति अहमद की बात कही गायत्री प्रजापति की बात कही आप आप उसका जवाब दीजिए मैं मुद्दे पे हूँ मैं अरे गायत्री प्रजापति सारे प्रजापतियों पे जवाब दे रहा हूँ मैं मुद्दे से नहीं हटता कभी इन्होंने जिन जिन पिक्चर को दिखाया उनकी बात कर रहा हूं इन्होंने भी किसी कुत्ते की फोटो दिखाई नेताजी ने वो तो जानवर था उसके ऊपर हाथ रखा मनुष्य रूपी भी कुत्तों पे हाथ रखा है जो अपनी बेगैरत से अभी भी नहीं बाज आ इसीलिए समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत टोटी का रोज आना आप जिक्र करते हो ना आज बता दे रहा हूं जवाब सुन लो उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी याद रखिएगा गौरव भाटिया जी ये बात मैं आपको टीवी चैनल पर बोल रहा हूं उसी टोटी से क्योंकि झूठा आरोप लगाते हो कहा है हजारों लाखों करोड़ रुपए जो सुस बैंक में जमा था जो बीजेपी के, के नेता और नरेंद्र मोदी हर बात कहते थे बात हमारे बात इधर लांगा? उधर करने की कोशिश ना कर जो जो सवाल है उसका जवाब आपने दिया नहीं की बात कुत्तों की बात आप कर रहे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान है जो वायरल हो रहा है